के और तैयार वगैरह भी हो गया हूँ, तो सब रेडी हो गए हैं, बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं अभी यहाँ से। तो आपको मैंने बताया था ना कि रात में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो जंगल है वो पीछे वो देखें, वो जंगल नहीं है, बस ये इसी टाइप का था, वो हमें रात में लग रहा था जंगल है, लेकिन यहाँ पर हमने रात में फॉग भी देखा था। तो वो पहाड़ है पीछे, वो देखें, और वो देखें वो पीछे वाली जो पहाड़ी है उस पर बर्फ भी है। तो अभी हम शुक्रान के लिए निकल रहे हैं, तो बस यही सीन है कि अभी फटाफट से सब रेडी हो रहे हैं और फिर निकलने की यहाँ से तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। और अभी जो हो रहे हैं 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और मैं आया हूँ, ये देखिए ये हमारा होटल था पीछे बैक साइड पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा होटल बैक साइड पे। तो बस अभी यही है सीन, वो देखें वो सामने नहर है, वो देखें वो नहर है, और बस यही सीन है। और ये रोड है, मेन रोड ही है। तो आप बस नाश्ता करते हैं अभी फटाफट से, नाश्ता वाश्ता करते हैं यहाँ पर और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। ये देखिए पीछे, ये पीछे का व्यू है यहाँ का, और ये साइड का है। तो बहुत ठंड भी हो रही है यहाँ पर अभी सुबह सुबह। तो बस यही है, ये सब मैंने आपको दिखाना था तो दिखा दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ बस नाश्ता करने उसी होटल में, हम जा रहे हैं नाश्ता करने, तो नाश्ता वगैरह करते हैं उसके बाद, और फिर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में सामान वगैरह भी रखना है, और फिर यहाँ से निकलते हैं शुक्रान के लिए। मैंने आप लोगों को जिस दरिया को बताया था वो ये दरिया है, ठीक है, और ये जंगल वगैरह है। तो वो पीछे पहाड़ है, वो पीछे बर्फ़ की पहाड़ है, और ये देखें ये रास्ता है, वो सामने भी पहाड़ जो वो भी बर्फ़ है। तो अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे, सारे लाइन से होटल हैं। खतरनाक रास्ते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई सपोर्ट नहीं है, सिंगल रोड है, ऊपर से कुछ भी आ सकता है, नीचे कभी भी जा सकते हैं। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूं यहां पर शुक्रान में, और यहां पर जो है बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, मतलब हुई भी है, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडक है यहां पर, और रास्ता तो इतना डेंजरस था, मत पूछिए हद से ज़्यादा डेंजर है। मैंने रास्ते की वीडियो बनाई है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं कहा है मैंने, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है, तो बस मैं आपको वो दिखाऊंगा। और ये देखें ग्रीनरी चेक करें यहाँ पर, और दरख्तों के ऊपर भी बर्फबारी है, और बहुत ही ज्यादा ठंड है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो इस टाइम रियल टेम्परेचर है वो -7 है, और -7 टेम्परेचर है यहाँ का रियल। और देखें ये बर्फ चेक कर रहे हैं आप, कितना ठोस बर्फ है ये देखें, ये देखें ठोस बर्फ है ये। तो बस अभी यहाँ पर एंजॉयमेंट करते हैं, और चारों साइड ही बर्फ है, वो देखें बर्फ ही बर्फ।
हर जगह बर्फ है, देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, बहुत ठोस बर्फ है। ये देखें पीछे जो है दरख्त से जो है स्नो फॉलिंग हो रही है, मतलब कि दरख्त के ऊपर जो बर्फ है वो गिर रही है नीचे। तो यहाँ पर अभी मैं टहल रहा हूँ और ये देखें बर्फ, बर्फ चेक कर रहे हैं, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर तो। और अभी हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ हमें जाना था, मेन पॉइंट जो है, तो अब वहाँ जा रहे हैं और आपको वहाँ का भी दिखाता हूँ कि वहाँ का व्यू कैसे हो भाई। यहाँ तो स्लिप भी हो रहे हैं, बहुत स्लिपरी है यहाँ। तो बस आप लोगों को मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि मालन जब्बा में मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया, और दिखाया तो वहाँ भी था लेकिन कुछ कुछ क्लिप वहाँ पर नहीं बना सका मैं, क्योंकि फैमिली के साथ पता है आपको ये जगह बहुत स्लिप हो रही है, ठोस बर्फ़ है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ और आपको अंदर का भी दिखाता हूँ कि अंदर का क्या व्यू है। तो ये आ गया मैं अंदर। तो यहाँ पर जो है बर्फ वो बहुत ज़्यादा है, ये देखें, चेक करें, ये देखें मेरा पैर कितना अंदर जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें पैर कितना अंदर चला गया मेरा, चेक कर रहे हैं आप। तो मतलब ये देखें इतना इतना अंदर जा रहा है ये, ये देखें मेरे घुटनों से ज़्यादा इसमें बर्फ़ है यहाँ। तो ये देखें गाइस हम जो थे यहाँ पर आए थे, आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें पीछे पहाड़ चेक करें, ये पीछे मेरे पहाड़ हैं बर्फ़ के, वो देखें पता नहीं कहाँ सियाचिन ग्लेशियर भी है किसी साइड, ये तो मुझे नहीं पता खैर किस साइड है वो, लेकिन है किसी साइड, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ये देखें इस जो होटल के ऊपर देखें बर्फ़ की तह चेक करें, लेयर चेक करें हम बर्फ़ की बस। तो यहाँ पर जो है ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए चारों साइड जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बहुत मतलब कि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा लेयर है यहाँ पर। तो बस अभी हम यहाँ से निकल लें क्योंकि बहुत पिक्चर ले ली और बहुत तफरी कर ली है यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकना ये वो बहुत तफरी हो गई। तो अब जो है यहाँ से हम निकल लें और अब यहाँ से जा रहे हैं हम कश्मीर की साइड पर, और उसके बाद जाना है हमें फिर वहाँ कश्मीर की साइड जाना है, उसके बाद जाना है फिर मरी की साइड, फिर जाना है इस्लामाबाद की साइड, फिर वहाँ से लाहौर और फिर बैक टू पवेलियन। बस अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमें आगे भी जो है हमारा बहुत सारा सफ़र बाकी है। तो बस यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी यहाँ पर, ऊपर ऊपर आते आते सांस फूल गई है मेरी। तो बस सब गाड़ी में बैठते हैं, ये लोग सब यहाँ पर शूज़ उतार रहे हैं। तो आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, ये देखें शुग्रान में अभी हम हैं और यहाँ से हम निकल लें। तो अब बस मम्मा जा चुके हैं गाड़ी के पास और मैं भी जा रहा हूँ, और स्लिप होते होते बचाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो बिल्कुल स्लिप वाली बर्फ़ है और बहुत डेंजर है। तो सब जो है वो स्टिक लेके चल रहे हैं और मैंने तो अपनी स्टिक दे दी है। तो ये देखें ये बैग खाई चेक करें आप, बहुत गहरी खाई है यहाँ पर, ये देखें, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, और सामने पहाड़ जो हैं वो भी बर्फ़ के। तो इस टाइम जो हूँ मैं यहाँ पर क्या नाम था शुग्रान में जो है, ये जो मैं जिस हाइट पर हूँ ये हाइट है 7,500 फीट की बुलंदी पर, अभी हम यहाँ टॉप पे हैं। और बस यही बताना था मुझे आप लोगों को कि 7,500 फीट की बुलंदी पे मतलब बहुत ज़्यादा हाइट होती है, मतलब कल शांगला टॉप पे जो थे हम कल, वो थे हम 9,000 फीट की बुलंदी पे। तो फिर बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। I'm sorry.